अस्सलामुअलैकुम जी। पाकिस्तान से बाहर नौकरी के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए मैं बहुत सारी न्यू जॉब्स लेके आई हूँ, और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये सब ऑथेंटिक जॉब्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना कोई पॉइंट मिस हो गया तो आपको अप्लाई करने में मुश्किल होगी। चलिए, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले हम अपना गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल पे हम मेंशन करेंगे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इसका लिंक है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट खुल गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी बिल्कुल ऑथेंटिक जॉब्स हैं, बिल्कुल असल हैं। अप्लाई करने के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉरेन जॉब्स की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारे पास कितनी सारी जॉब्स ओपन हुई हैं। यहाँ पे पेज नंबर दिए गए हैं, वन बाय वन आप आगे करके भी देख सकते हैं कि कितनी सारी जॉब्स हैं, ये देखिए। और इसकी पोस्टेड डेट भी 7 सितंबर 2022 है, बिल्कुल लेटेस्ट जॉब है ये। हम चलते हैं अपने पहले पेज पे ही ताकि मैं वन बाय वन आपको जॉब्स बता सकूं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। पहली जॉब हम ये सेलमैन की खोल के देख लेते हैं। जॉब का टाइटल सेलमैन है, इसकी अवेलेबल जो पोस्ट है वो एक ही अवेलेबल है। सैलरी जो इसकी होगी 1000 से 1200 रियाल तक आपको दी जाएगी, और प्लेस ऑफ ड्यूटी रियादा सऊदी अरब है। सऊदी अरब की पोस्टिंग की ये जॉब है। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या दिए जाएंगे, फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी आपको, फ्री फूड दिया जाएगा, टिकट के पैसे आपको खुद भरने होंगे, उसके बाद आपको मेडिकल फ्री दिया जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री दी जा रही है, और ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री दी जा रही है। ये इसका परमिशन नंबर है। इस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2023 है। 3-4 महीने आपके पास हैं इस पर अप्लाई करने के लिए। पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे OEP लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंस नंबर है। जिन इंटरनेशनल सर्विसेज की ये सर्विसेज दी जा रही हैं, जो एजेंसी का नाम है जिसके थ्रू आपको बाहर भेजा जाएगा, ये उस एजेंसी का नाम है। और इसके आगे वैलिड भी लिखा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको वैलिड करार दिया है कि ये बिल्कुल सही और ऑथेंटिक एजेंसी है, आप इसके थ्रू बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल दिया गया है। उसके बाद हम और देख लेते हैं, ड्राइवर की जॉब है, इलेक्ट्रिक पावर लाइन की है, ड्राइवर की है, हाउसकीपिंग की है, हाउस वर्कर की है, हैवी ड्यूटी ड्राइवर की है। यहाँ पे साथ साथ आप नंबर ऑफ जॉब्स भी देख सकते हैं, सैलरी भी यहाँ पे मेंशन है कि कितनी कितनी दी जाएगी, ड्यूटी कि कब ये पोस्ट की गई है। उसके बाद हम कोई और हैवी ड्राइवर की जॉब जो है वो बंद करके देख लेते हैं। जॉब का टाइटल हैवी ड्राइवर है, सैलरी इसकी 1500 रियाल है, प्लेस ऑफ ड्यूटी रियादा सऊदी अरब है, टोटल नंबर ऑफ सीट इसकी 4 अवेलेबल हैं, 4 लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स में आपको फ्री की अकोमोडेशन भी दी जा रही है, फ्री फूड भी दिया जा रहा है, और टिकट भी फ्री दिया जा रहा है इसमें। मेडिकल भी फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फ्री नहीं दी गई इसमें। सबके डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, कोई मसला नहीं है, हर जॉब से रिलेटेड आप उस पर ओपन करके देख सकते हैं। इस पर भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2023 है। ये उसका लाइसेंस नंबर है और ये एजेंसी का नाम है, ये भी वैलिड एजेंसी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सही करार दिया है। यहाँ पे उस एजेंसी का एड्रेस है, उस बंदे का फ़ोन नंबर है और ईमेल एड्रेस है। अब हम आ जाते हैं कि आपको इन सब पे अप्लाई कैसे करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जिस भी जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप ओपन कर लीजिए, जैसे ये वाली हमारे पास ओपन हुई हुई है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो आपको एजेंसी और उस बंदे का नाम दिया गया है, आप इस बंदे को कॉल करेंगे या इसके एड्रेस पे खुद जाएंगे या इसको ईमेल करके आप पता कर सकते हैं। ये बंदा एजेंसी वाला आपको खुद बताएगा कि क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, आपको अपना पासपोर्ट देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वीज़ा लगने में कितना टाइम लगेगा, और ये सारी मालूमात आपको इस एजेंसी से मिलेगी। यहाँ पे हर एक सेम तरीका इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि हर एजेंसी के अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसलिए आप इन्हीं स्पेसिफिक बंदे को कॉल करके ये सारी मालूमात ले सकते हैं। तो बहुत इजी सा प्रोसीजर है, इनको बताइए। और एक बात और मैं आपको बताती चलूं कि कोई भी एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम नहीं करेगी, थोड़ी बहुत
पेमेंट जो है आपको देनी पड़ेगी 5-6 हज़ार। तो आपने परेशान नहीं होना, थोड़ी सी पेमेंट देके आपको गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बाहर जॉब मिल सकती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ऑथेंटिक जॉब्स में बहुत कम ऐसा मौका मिलता है, तो जल्दी से ज़रूर अप्लाई कीजिए। दोस्तों को भी बताइए, रिश्तेदारों को भी बताइए और ख़ुद भी जाके अप्लाई कीजिए।